बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रॉम लाहौर जंक्शन मोहम्मद बिलाल ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 3 अगस्त 2024 और आज मैंने सफ़र करने जा रहा हूँ बाई ट्रेन में, और ट्रेन होगी सियालकोट और कराची के दरमियान चलने वाली 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि पूरे राइट टाइम बल्कि बिफोर टाइम 2 मिनट बिफोर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुकी है, जिसका अराइवल अभी आपने देख लिया। अब 2-4 डब्बे इसमें ऐड होंगे, शंटिंग होगी और हमारा इसमें सफ़र का आगाज़ होगा। हाल ही में 1 माह या 2 माह पहले इसमें एसी स्टैंडर्ड की एक कोच का इजाफा किया गया, तो आज मौका मिला है कि आज एसी स्टैंडर्ड में सफ़र करें और इसका रिव्यू दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये रही एसी स्टैंडर्ड जर्मन कोच जिसमें हमारा सफ़र होगा आज। तकरीबन लाहौर जंक्शन पर 35 मिनट का स्टे होगा, यहाँ पर 35 मिनट के स्टॉप के दौरान शंटिंग का अमल होगा। लाहौर से जो कोचेज़ अटैच होती हैं वो कोचेज़ अटैच होंगी, जैसा कि ये सामने कोचेज़ आ भी चुकी हैं। 3 कोचेज़ हैं, 3 इकॉनमी क्लास और उसके आगे है लगेज वैन, और फिर हमारी पावर जो कि लाहौर से कराची तक अलामा इकबाल एक्सप्रेस को लीड करेगी, इसकी रहनुमाई करेगी। और इसके अलावा जो सियालकोट से लाहौर तक चल के रेक आया है उसमें पानी वगैरह और छोटी मोटी मेंटेनेंस की जाएगी उसकी। चलो ये अटैचमेंट देखते हैं थोड़ी सी। हेलो भाइयों, कोचेस अटैच हो चुके हैं और अब मुसाफिर सफ़र के लिए ट्रेन में बैठना शुरू हो जाएंगे। ZCU 26419 इसने शंटिंग अमल इसी ने कर दिया, जो कि इसको सियालकोट से लाहौर तक लेके आया है और आगे बड़ी पावर जाएगी। साथ में लगेज बनने का काम जारी है लगेज वैन में। मॉनसून का सीज़न और हरा भरा लाहौर जंक्शन का यार्ड। आपको बताना ही भूल गया कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। मैं तकरीबन 170 किलोमीटर का ट्रैवल करूँगा तकरीबन लाहौर से साहिवाल 10 डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस की एसी स्टैंडर्ड कोच में, और इसके साथ ही स्टार्ट में ही आपको बताता चलूँ कि अलामा इकबाल एक्सप्रेस की एसी स्टैंडर्ड कोच का लाहौर से साहिवाल का किराया 900 रुपये है, जिसमें मैंने सफ़र करना है, और इसके अलावा इकॉनमी क्लास का किराया 550 और बर्थ के साथ 600 रुपये है इकॉनमी क्लास का। ZCU 36306 3000 HP का लोकोमोटिव, कैटरपिलर लोकोमोटिव, इकबाल एक्सप्रेस में 19 कोचेस अटैच हैं, जिसमें एक पावर वैन, एक हो गई डाइनिंग कार, एक हो गई एसी स्टैंडर्ड, बकिया इकॉनमी क्लास की कोचेस मौजूद हैं और एक लगेज वैन भी है। और जो एसी स्टैंडर्ड कोच है वो इंजन से अगर देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे अटैच है। इससे आगे पावर वैन, 4 या 5 इकॉनमी क्लास और एक लगेज वैन है इस एसी स्टैंडर्ड कोच से आगे। चले दोस्तों, चलते हैं अब अपनी एसी स्टैंडर्ड कोच में, एक नज़र इसको देख लेते हैं। कोई सफाई का निज़ाम नहीं है यहाँ पर। रोटी
ट्रेन राइट टाइम रवानगी के लिए तैयार। और अभी आपने इसी स्टैंडर्ड कोच देख भी लिया, पूरा तकरीबन फुल है। ये ख़तरनाक सीन होता है यार चलती गाड़ी में बैठना, पूरे राइट टाइम। कैन डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस अब रवाना हो रही है लाहौर जंक्शन से। स्लोली स्लोली डिपार्चर। और अंकल जी की ट्रेन के साथ ऐसे मेरे ख्याल में अगली कोचेज़ में जाना होगा, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड के आगे से अगली कोचेज़ में जाने का रास्ता नहीं है। लगता है सारे ही आगे जा रहे हैं। आ जाओ भाई वापस इधर ही आ जाओ। दो मुसाफिर देखे ये अगली कोचेज में जा रहे थे, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड से आगे जाने का रास्ता मौजूद नहीं है अंदर से, तो ये बाहर के रास्ते जाना चाह रहे थे अपनी सीट्स पर। लेकिन एक बंदा तो कामयाब हो गया, एक बंदा वापस आ गया हमारी कोच में। अब राइवेंट अगला स्टॉप होगा कोट लखपत, वहाँ से मेरे ख्याल में अब अपनी कोच में वो चला जाएगा। 2000 HP लोकोमोटिव कोयटा का शेर जो कि लाहौर को अलाट हो गया हुआ है। अब RG 25109 शंटिंग करते हैं आप बेचारे।
वैसे ये कुछ डब्बा ज़्यादा ही ले रहा है, अब पता नहीं ज़्यादा कौन है, इसके शौक ज़्यादा ही अच्छे हैं झूले देने के लिए, काफ़ी झूले मिल रहे हैं इस कोच में। ये हाल है भाई एसी स्टैंडर्ड कोच का, ये आप शीशा देख लें, या तो गंदा हुआ हुआ है या ब्लर हुआ हुआ, जो भी है बाल के सीन कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहे। और इसके अलावा जो ब्लाइंडर है ये वाला बड़ा अच्छा सीन है। ये जगह है, यहाँ पर लगे हैं खीर, ये फंसाएंगे तो यहाँ पर ये रुक जाएगा, ये भी अच्छे देसी जुगाड़ लगाए हुए हैं इस एसी स्टैंडर्ड कोच में। अभी दो दिन पहले मैं यहाँ की वीडियो बनाई थी, उस वक्त यहाँ पर नहर बनी हुई थी कोलाक पर रेलवे स्टेशन पर, और अब पानी के साल मौजूद हैं लेकिन दूसरी साइड पर पानी मौजूद होगा। यहाँ पर लाहौर के बाद पहला स्टॉप होने जा रहा है और मेन लाइन पर होने जा रहा है, मेरे ख्याल में वही बारिश की वजह से कुछ मशीनरी डैमेज होगी ट्रैक चेंज करने वाली। रश आप देख लें कोलाक पर रेलवे स्टेशन पर, लाहौर के बाद पहला स्टेशन लाहौर का ही स्टेशन है। और लग ऐसा ही है पूरी ट्रेन ही यहाँ से फुल हो जाएगी। तीन से चार मिनट का स्टॉप किया कोलाक पर रेलवे स्टेशन से, और अलामा इकबाल एक्सप्रेस रवाना हो रही है अब कराची की जानिब। रश इतना पड़ गया हुआ है इस ट्रेन में कि अभी तक मैं अपनी कोच के अंदर ही नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं इस दरवाजे पे आ चुका था। दूसरी तरफ थोड़ा सा मुलाजा फरमा दें, थोड़ा सा रश कम हो हम अपनी कोच में चलें। दोस्तों आज का सफ़र मैं अकेले सफ़र नहीं कर रहा, आज मेरे साथ फहीम मलिक भाई भी मौजूद हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा एक हाल व अहवाल इस एसी स्टैंडर्ड कोच का बता दें। यार सबसे पहले तो खुशी की बात है कि सियालकोटी भाइयों को जो है वो एसी स्टैंडर्ड की कम से कम एक कोच दे दी गई है। दूसरी ये कि रिक्वेस्ट हमारी होगी कि एक कोच कम है अभी भी, आप देख लें हालात पूरी कोच जो है वो सीट बाई सीट है फुल है, और जो गुंजाइश रह गई थी वो होड़ लगभग से पूरी हो चुकी है। तो कम से कम एक एसी बिजनेस क्लास की कोच जो है वो अलामा इकबाल में और ऐड होनी चाहिए। और कोचेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोचेज जो हैं पाकिस्तान रेलवे के पास जो खासतौर पर एसी स्टैंडर्ड की है वो पुरानी है। सीईओ साहब भी कह चुके हैं अपनी लास्ट जो खुली कचहरी की थी उन्होंने कि जी हमारे पास कोचेज जो हैं पुरानी हालत में, इसलिए एयर कंडीशनिंग भी इतनी अच्छी होती नहीं है उनमें, तो आवाम हमारे साथ ताबुन करे। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आवाम तो इतने अच्छे से ताबुन कर रही है आपके साथ, अभी आपको आवाम को सहूलत देने की ज़रूरत है। माशाल्लाह बहुत मुनाफा कमाया है, इस दफ़ा आपने 1 खरब रुपए का टारगेट भी रखा है रेलवे की आमदन के अंदर, तो उस टारगेट के अंदर थोड़ा सा पैसा आवाम के लिए भी आप शामिल करें और आवाम को सहूलत दें। बाकी ये कि कोच की हालत नॉर्मल ही है, और अपनी सीट मैंने दिखाई है आपको कि देखें इसकी ब्रेक है वो मौजूद नहीं है, और एक कील भी लगा हुआ है इसमें जो मुझे लगते लगते बचा है, बच गया हूँ मैं। अच्छा, बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है वो तो हर जगह है, मेरे इधर बाई फॉर्म मौजूद है इस साइड पे आ जाए। नहीं नहीं और इस पे वैसे झूले भी अच्छे मिल रहे हैं दूसरी कोच की नस्बत, जो सस्पेंशन है ऑब्वियसली वो तो अच्छी है, जर्मन कोच है, और ये है कि ऑब्वियसली जो मैकेनिकल इसका निज़ाम है वो तो फिट है, उसके बगैर तो कोच मूव भी नहीं कर सकती। पर इंटीरियर जो है वो आपको पता है पुराना है, और उसमें बेहतरी की बहुत हद तक गुंजाइश है। एसी जो कूलिंग है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ना कम है ना ज़्यादा है, बस पसीना नहीं आ रहा। हाँ तो उम्मीद है जैसे जैसे शाम होगी तो लोग भी ये है कि चादरें लेंगे अपने ऊपर। चल सर, बहुत बहुत थैंक यू। 1:45 हो चुके हैं और अब टेन डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस पहुंच गया है राइव एंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। दोनों दरवाज़ों पर रश है,
दरवाजे पे हम जा नहीं सकते। तो ये जो गद लोद खिड़की है, यहाँ से आप नज़ारे देखें फ्लाई विंग के। दोस्तों इसी स्टैंडर्ड के दरवाजे थोड़े खाली हो गए, गार्ड साहब आए थे उन्होंने खाली करवा दिए थे। फुल होने की वजह ये थी क्योंकि इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है, अभी तो खैर बंद है। इससे आगे लगी है पावर वायर, आगे जा नहीं सकते थे इसलिए दोनों तरफ से जो एसी कोचेस के दरवाजे थे वो फुल हो चुके थे और इस दरवाजे की वजह से अंदर गर्म हवा आ रही थी जिसकी वजह से कूलिंग ज़रा कम हो गई थी। अब कुछ हद तक बेहतर है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ हद तक बेहतर है। तकरीबन सारी ट्रेनें लेट हैं, वजह ये थी कि कल जुमा गोट पर डिरेलमेंट हो गई थी जिसकी वजह से ट्रेनें कराची से ही लेट निकली थी। तो हमें तकरीबन दो क्लास और देखने को मिलेंगे, 9 अप और 7 अप का, 5 और 15 अप अभी बावलपुर हैं 2 बजे तकरीबन। छांगा मांगा का जंगल आ चुका है, अलामा इकबाल एक्सप्रेस इस वक्त छांगा मांगा जंगल के एरिया से गुजर रही है और जल्द छांगा मांगा रेलवे स्टेशन क्रॉस करेगी और इससे पहले ही यह स्टेशन पर ही उसके आसपास 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस से भी क्रॉस होने जा रहा है। बिल्डिंग इस साइड पर और प्लेटफार्म उस साइड पर,
के मुताबिक चल रही है इस वक्त 110 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। फाइनली हम पहुंच गए साहिवाल रेलवे स्टेशन पर। दही पल्ले खाने सर? दही पल्ले वापसी पे खाते हैं। वापसी पे चले आपके खाते हैं और रोक दे अभी हमें यहाँ।
कश्मीर का स्टॉप किया है और सियालकोट की रानी अलामा इकबाल एक्सप्रेस अब रवाना हो रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। ओके भाई जान अल्लाह हाफिज़। हमारी मंजिल थी, आज की मंजिल यही थी और ट्रेन की मंजिल होगी कराची कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि ये सुबह तकरीबन 10 के आसपास पहुंचेगी अगर राइट टाइम पहुंच जाए। और अभी तक की बात करें तो तकरीबन सिर्फ 20 मिनट लेट, 20 मिनट की तखीर से यहाँ पर पहुंची थी और 20 मिनट की तखीर से यहाँ से रवाना हो रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन से। सुबह 7:30 बजे सियालकोट से निकली थी। काफ़ी रश था भाई आज इसमें रायविंड से और पोर्ट लखपत से, तो आपने देख ही लिया था। रायविंड पे हमें दरवाजे पे जाने का मौका भी नहीं मिला था, वो इस वजह से क्योंकि सुबह होती है खैबर मेल, खैबर मेल के बाद पहली ट्रेन तकरीबन 1 बजे ही गए हैं लाहौर से जाने के लिए। 1 बजे ट्रेन जाती है सुबह 7 बजे और फिर 1 बजे लाहौर से ट्रेन निकलती है, तो ये गैप भी कम होना चाहिए इसका। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। आज मैंने कोशिश की कि एसी स्टैंडर्ड आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं, जो कि हाल ही में अलामा इकबाल एक्सप्रेस में अटैच हुआ था और इसलिए छोटी जर्नी की ताकि थोड़ा सा हाल व अहवाल इस एसी स्टैंडर्ड का दिखा दूं। ओवरऑल बात करें तो एसी स्टैंडर्ड फुल था, वैसे भी तकरीबन सारी ट्रेन ही फुल थी लेकिन एसी स्टैंडर्ड भी फुल था, तो इसका मतलब इसमें और एसी कोचेस अटैच हो सकते हैं, इतनी गुंजाइश है और होने भी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही साहिवाल रेलवे स्टेशन से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है आपको लाहौर से साहिवाल का ये सफ़रनामा पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।